वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं चेंस ऑफ हार्ट पार्ट थ्री को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और पार्ट थ्री में मैंने एपिसोड थ्री और फोर दोनों को इंक्लूड कर दिया है, तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे और स्टोरी आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो डीन के फ्यूनरल के दिन केन पर किसी आदमी ने हमला किया, लेकिन उसके फेस देखने से पहले वो आदमी भाग गया। केन के दोस्तों ने भी उस आदमी को भागते देखा, वो भी केन को लेकर थोड़े वरीड हो गए। केन अपने दोस्तों के साथ डीन के घर की तरफ निकला। दोनों दोस्त परेशान थे। उन्होंने केन से पूछा कि उस पर्सन को केन पहचानता है क्या, पर केन तो उसकी आंखें नहीं भूल पा रहा था। लेकिन एक कार अचानक से उनके सामने आ गई और हो गया उनका एक्सीडेंट। अपोजिट कार वाले को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर इन तीनों की कार साइड पेड़ से टकराई और तीनों बेहोश। अपोजिट कार वाले पर्सन नीचे उतरा, वो चिल्लाते हुए इनकी कार के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने कार में केन को देखा उसके हाव भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसे केन की ही तलाश थी, और फिर उसने केन को मारने के लिए चाकू निकाला। लेकिन मिस्टर लियो वहां पहुंच गए। आदमी ने अपने मुंह अच्छे से ढक लिया और वहां से चला गया। लियो को उस आदमी पर उतना शक नहीं हुआ। फिर वो तुरंत केन और उसके दोस्तों को होश में ले आया और अपनी कार में उन्हें लिफ्ट दी। तीनों ने पीटर लियो को थैंक्स किया, अगर वो टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन केन के दोस्तों को डाउट हुआ कि पीटर लियो यहाँ कैसे और अच्छे से थाई कैसे बोल लेते हैं। पीटर लियो ने उन्हें भी वही बात बताई जो केन को बताया था कि यहाँ थाईलैंड में उसका बिजनेस है। लियो ने फिर उन्हें डीन के घर के पास ड्रॉप कर दिया। तीनों अंदर आए। डीन की माँ भी उनको लेकर वरीड थी। उन्होंने माँ को बताया सब बढ़िया था, प्रॉब्लम हुई थी पर एक दोस्त ने हेल्प की, उन्हें यहाँ ड्रॉप किया। माँ बोलने लगी, कौन सा दोस्त, उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने, मैं भी मिल लेती। केन ने उन्हें बताया कुछ काम था उन्हें तो वो चले गए। लेकिन केन जैसे ही डीन के घर के अंदर आया उसकी पुरानी यादें ताजी हो गई। एक बार डीन केन को अपने घर लेकर आया था और माँ से छुपते हुए सीधे बेडरूम ले आया। केन थोड़ा घबरा गया, उधर से माँ भी डीन को आवाज़ दे रही थी। केन रिप्लाई देने वाला था पर डीन ने उसे रोका और बोला, मैं जब तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ थ्रिलिंग करनी है जो पहले मैंने कभी नहीं किया है। केन को उसकी बात समझ नहीं आई। डेन उसे किस करने लगा और फिर दोनों ने नाइट स्पेंड किए। वहीं डेन के रूम में एक स्केच रखा हुआ था जिसमें चाइनीज लव स्टोरी थी, ये देवी की लड़की और एक आम लड़के के बीच प्यार, लेकिन माँ बनी दुश्मन, बीच में बना दी नदी, लेकिन पिता को आ गया दया और साल में एक बार उन्हें मिलने की परमिशन दे दी गई। डेन और केन दोनों इस दर्द भरे स्टोरी के बारे में बात करने लगे। डीन ने उसे बोला, केन क्या हो, अगर हमारी लाइफ में भी ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स आए तो। केन ये सुनकर नाराज हुआ। डीन ने उसे मनाने के लिए उस स्केच में लिखा, हम दोनों एक बार फिर से 7 जुलाई को मिलेंगे। ये वही दिन था जब उस देवी की लड़की और आम लड़के को मिलने की परमिशन थी। डीन ने उसमें खुद साइन किया और केन को भी साइन करने के लिए बोला। केन यादों से बाहर आया, वो डीन के पूरे रूम को देखने लगा। साई और केन के दोस्त भी उसके पास आए। केन ने साई से पूछा कि डीन के सारे कपड़े और सामान कहाँ गए। साई ने उन्हें बताया, कपड़े गंदे हो रहे थे तो डोनेट कर दिए, और डॉक्यूमेंट है डेथ इंश्योरेंस के लिए रखा है मैंने। फिर साई ने केन को वही डीन के रूम में ही रुकने के लिए कहा, क्योंकि होटल में रहने से ज्यादा अच्छा यहाँ रहना है, पर केन ने मना कर दिया। दोस्त भी उसे समझाने लगे, अगर वो पर्सन फिर से केन पर अटैक करने आ गया तो। पर केन इतना मजबूत हो चुका था कि वो उसका सामना कर सके। डेन की मॉम को भी पुलिस ने कॉल करके बताया, जिन कल्परेट को उन्होंने पकड़ा था वो भाग गए हैं। इधर भागे हुए मुजरिम ने अपने दोस्त को कॉल किए। उनका दोस्त वही आदमी था नॉक, जिसने कार में केन को मारने की कोशिश की थी। वो तुरंत उन दोनों के पास आया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह डीन की मॉम और अंकल चीफ से मिलने आए और उन्हें पता चला कि कल रात उन मुजरिमों की डेथ हो गई है। पुलिस बता रही है कि ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है। मॉम पूछने लगी, अगर वो मर गए हैं इसका मतलब केस क्लोज। चीफ बोलने लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन मुजरिमों का लीडर अभी जिंदा है, वो नहीं पकड़ाया है। पर मॉम और अंकल सोचने लगे, अगर वो भी मारा गया तो फिर केस क्लोज होना तो जाहिर सी बात है। केन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठा, पीटर लियो भी उसके पास आ गए। केन को हैरानी हुई। लियो ने उसे बताया, मैं भी इसी होटल में ठहरा हूँ, जब भी बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड आता हूँ तो यहीं रहता हूँ। दोनों में फिर थोड़ी देर बातें हुई, लेकिन केन के दोस्तों ने जब होटल आकर केन के बारे में पूछा तो पता चला वो तो सुबह ही किसी के साथ निकल गया था। अब दोस्त परेशान हो गए, क्योंकि केन फोन वगैरह कुछ भी नहीं रखता, तो फिर अब उसका पता लगाना कितना मुश्किल है। केन ब्रेकफास्ट के बाद ही लियो के साथ निकल गया था। लियो को भी इससे कहाँ प्रॉब्लम थी, उसे तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने केन को थैंक्स किया कि केन की वजह से वो फॉरेस्ट ड्राइविंग को एंजॉय कर रहा है। केन ने उसे बोला, लियो आपको याद है वहाँ चाइना में मेरे रेस्टोरेंट पर एक और पर्सन वर्क करता था, उसका नाम कान है, पर अब सब उसे फीन नाम से जानते हैं, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। लियो तुरंत बोलने लगा, नहीं मुझे याद नहीं, मेरा ध्यान तो बस तुम पर रहता है केन। केन थोड़ा चिप गया। दोनों ने एक जगह कान के बारे में पूछताछ की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, लोग तो उसे जानते भी नहीं। उन्होंने लोगों से एक घर के बारे में पूछा,
पर जब उस घर में जाकर पूछताछ की तो वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत जगह पूछताछ करने के बाद उन्हें एक जंगल में छोटे से घर के बारे में पता चला। दोनों वहाँ पहुँचे। लियो ने उसे बोला मैं साथ चलूं, पर केन ने मना कर दिया और खुद अकेला उस घर में घुसा। लेकिन घर में घुसते ही एक पर्सन ने उस पर अटैक कर दिया और बुरी तरह उसका गला दबाने लगा। केन पर अटैक करने वाला पर्सन फिन ही था। केन बेहोश हो गया। लियो भी उसे आवाज लगाता हुआ घर के पास आया। फिन ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी केन को छुपा दिया और ऐसे बाहर आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लियो ने केन के बारे में पूछा पर फिन ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि केन वहाँ आया ही नहीं है। लियो को भरोसा नहीं हुआ। उसने घर के अंदर झांका पर वहाँ कोई नहीं था और फिन भी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेकिन केन के कराने की आवाज दोनों को सुनाई दी। फिन ने तुरंत लियो को धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया। लियो केन के पास आया। केन ने उसे पहले फिन को पकड़ने के लिए बोला। लियो उसका पीछा करने गया लेकिन फिन बहुत आगे निकल चुका था। रोड पर उसे अपने दोस्त नोंग दिख गया जो बाइक लेकर उसी को वेट कर रहा था। फिन को लगा अब दोस्त आ गया उसे बचाने, पर उसे क्या मालूम था ये नोंग तो उसे इस दुनिया से मिटाने आया था। उसने बुरी तरह फिन को मार डाला। लियो ने भी नोंग को उसे मारते देखा लेकिन नोंग ने लियो की तरफ रिवॉल्वर तान दिए और वहां से भाग गया। फिर नोंग ने अपने बॉस को बताया कि एक आदमी ने उसके फेस देख लिया है, शायद वो आदमी केन के साथ ही था। और यहाँ हैरानी वाली बात तो ये है कि नोंग का बॉस और कोई नहीं बल्कि चीफ ही है। 2 साल पहले डीन और केन जब टुगेदर थे तब दोनों मंदिर गए थे वहाँ के मॉन्क से मिलने। डीन ने ही केन को मॉन्क के बारे में बताया था इसीलिए केन को उनसे मिलने का मन किया। मॉन्क ने पूछा इसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे। केन बताने लगा इसके बाद हम ट्रिप पर जाएंगे और डीन बता रहा था कि यहाँ बहुत खतरा है इसीलिए मुझे आपसे मिलने लेकर नहीं आ रहा था। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फॉरेस्ट है, शुद्ध वातावरण है यहाँ तो। फिर मॉन्क ने डीन को एक ताबीज दिए। तभी डीन के वाकी टाकी पर कुछ अर्जेंट कॉल आए। डीन तुरंत मंदिर से बाहर भागा। उसने केन को घर में रहने के लिए बोला लेकिन केन नाराज था कि इस सिटी जॉब की वजह से डीन केन को छोड़कर जा रहा है। लेकिन डीन को अपने जॉब से भी प्यार था। केन को उसने घर छोड़ा और निकल गया जंगल की ओर। वहाँ केन के सीनियर की निगरानी में अच्छा खासा लकड़ी के स्मगलिंग चल रहे थे। डीन वहाँ आया वो तो बहुत सीरियस था। अपने सीनियर से पूछा कि कितने स्मगलर्स हैं यहाँ, पर उन सब ने केन पर ही रिवॉल्वर तान दिए। उसे चीफ के पास लाया गया। चीफ को जब डीन के माँ बाप के बारे में पता चला तो उन्होंने डीन को छोड़ने के लिए कहा। उन्हें बताया कि इसके माँ बाप ने उनके लिए बहुत कुछ काम किए हैं और फिर डीन को रिश्वत देने चाहे। डीन ने तुरंत पैसे फेंक दिए लेकिन इसी झड़प में डीन का तावीज नीचे गिरा। लेकिन वो तावीज नहीं बल्कि एक स्पाई कैमरा था। बस मौका देखते ही डीन कैमरा लेकर वहां से भागा लेकिन सब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इधर केन बहुत गुस्से में था। उसे डीन की फिक्र भी हो रही थी कि वो ठीक होगा कि नहीं। बहुत रात हो गई, ऊपर से बारिश और डीन अभी तक वापस नहीं आया था। केन लालटेन लेकर निकल गया डीन को ढूंढने लेकिन उसकी मुलाकात उन स्मगलर से हो गई। सामने नोक ही मिला। केन ने उन्हें बताया कि वो डीन का दोस्त है और बस वो केन को ही मारने वाले थे, पर डीन तुरंत उसे बचाने पहुंच गया। दोनों वहां से भागे लेकिन भाग कर पहुंचे भी तो एक खाई के पास। नोक उन्हें कैमरा वापस करने के लिए बोल रहा था पर डीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और वहीं दूर से चीफ ने डीन को शूट कर दिया और डीन के साथ साथ कैमरा भी खत्म हो गया। केन अचानक से जाग गया, उसने भी यही सपना देखा था। वो थोड़ा घबरा गया। लियो ने उसे समझाया सब ठीक है वो है ना। फिर बताया कि फिन भाग गया और उसे किसी ने मार दिया, पर मैंने उस पर्सन का फेस देखा था। लेकिन केन क्या तुम अब मुझे सब कुछ डिटेल में बता सकते हो, वो लोग क्यों तुम पर अटैक करना चाह रहे थे और फिन को उन्होंने क्यों मारा। केन बताने लगा फिन मुझे बताने वाला था कि डीन को किसने मारा। दोनों को बात समझ आ रही थी इसका मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। फिर लियो केन से कहने लगा केन डीन को खुशी हुई शायद जो तुम उसे अलविदा कहने आए, पर मुझे लगता है वो ज्यादा वरीड होगा तुम्हारे लिए, ऐसे तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है। केन बोलने लगा मिस्टर लियो आपने देखा ना कितने अटैक्स हो रहे हैं मुझ पर, अगर आप भी मेरे साथ रहेंगे तो आपकी जान को भी खतरा है, तो प्लीज आप मुझसे दूर चले जाइए और थैंक्स आपने जो भी मेरे लिए किया। अगली सुबह केन की नींद खुली, देखा लियो तो पेंटिंग बना रहा था। केन थोड़ा सरप्राइज हुआ। लियो ने उसे भी पेंटिंग करने के लिए बोले पर केन को पेंटिंग नहीं आती। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, केन बाहर घूमने निकला, लियो स्कूटर लेकर आ गया और फिर दोनों ने पहाड़ी एरिया के छोटे से मार्केट में खूब घूमे इंजॉय किए। दोनों बाहर लंच करने आए, खाना ऑर्डर किया। केन पूछने लगा मिस्टर लियो ये डिश आपको पसंद है। लियो बोलने लगा हाँ अच्छा है, इसे पहले भी मैंने टेस्ट किया है, तुम्हें पसंद है और मे बी ये तुम्हारे बिलव का फेवरेट डिश हो। ये सुनकर केन भी थोड़ा मायूस हो गया। लियो बोलने लगा वैसे मुझे डीन से जेलस फील होता है, ये उसे तुम्हारे जैसा लवर मिला, उसके ना होने के बाद भी तुम कितने लॉयल हो उसके लिए, किसी और से तुम्हें प्यार ही नहीं हुआ। केन ने उसे बताया उसकी लाइफ में डीन के अलावा और कोई नहीं है। लियो इतना सुनते ही थोड़ा मायूस हो गया। उसने केन को बोला तुम्हारे दोस्त वरीड हो रहे होंगे, तुम्हें वापस जाने चाहिए। केन ने लियो से उसका फोन मांगा।
और अपने दोस्त को कॉल किया। उन्हें बताया कि वो मिस्टर लियू के साथ है और ठीक है। दोस्तों ने उसे बताया नोक की गैंग में जो लोग थे उनका खून हो गया है और शायद अब केन की जान को भी खतरा है। केन थोड़ा घबरा गया, उसने लियू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर लियू के साथ उन्हीं मोंग से मिलने आया जिनसे वो डेन के साथ मिलने आया था। केन ने मोंग को अपना नाम बताया। मोंग को याद था, उन्होंने पूछा डेन भी तुम्हारे साथ ही आया है क्या? केन ने नाम जवाब दिया। उन्हें बताया कि वो अपने दोस्त के साथ आया है और लियू की तरफ इशारा किया, पर लियू तो वहाँ था ही नहीं। लियू मंदिर के दूसरे साइड आ गया था लेकिन उससे मिलने चीव भी वहाँ पहुँच गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।